वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि गाइस आप लोग का आईडी के अंदर कैसे आप लोग वीबैज लगा सकते हो। मतलब गाइस काफी लोगों को पता नहीं है जो कि वीबैज लगाना कैसा होता है जो कि आईडी के अंदर। एंड काफी बंदा जो कि कमेंट कर रहा था, प्लीज भाई बता दो कुछ भी तरीका जो कि आईडी के अंदर जो कि हम लोग कैसे वीबैज को लगा सकते हैं। मतलब गाइस आप लोग को तो पता तो नहीं है, मुझे पता भी है, लेकिन गाइस आप लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो कि इस ट्रिक को जाने के लिए सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करना पड़ेगा एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना पड़ेगा। एंड उसी के साथ गाइस आप लोग को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा क्योंकि गाइस आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। एंड सब्सक्राइब पहले करो गाइस क्योंकि इस चैनल अभी डाउन जा रहा है, तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो। एंड उसी के साथ गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे पास अभी 10,000 के ऊपर डायमंड है, तो इसका भी मैं आप लोग को वीडियो बनाऊंगा, पूरा का पूरा डायमंड मैं उड़ाने वाला हूँ एंड इसका भी वीडियो आने वाला है। तो इसलिए गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो आप लोग को बेसिकली गाइस नेम चेंज करने का आप लोग को तरीका तो पता ही है गाइस। आप लोग को सबसे पहले प्रोफाइल पर क्लिक करना पड़ता है, देन गाइस प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद तो आईडी का नेम होता है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है। देन इधर से गाइस आप लोग को नेम लिख के जो कि आप लोग को क्या करना पड़ता है जो कि नेम को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बात है जो कि बेसिक बात। एंड उसी के साथ गाइस इधर आप लोग को वीबैज लगाना है, ठीक है। ये जो निक नेम जो है ना इसके अंदर गाइस आप लोग को वीबैज को लगाना होगा। एंड गाइस आप लोग इधर से देख सकते हो जो कि अगर आप लोग के पास नेम चेंज कार्ड है, ठीक है, तो आप लोग इधर से नेम चेंज कार्ड के भी आप लोग मतलब नेम को चेंज कर सकते हो। एंड उसी के साथ गाइस आप लोग को नहीं नेम चेंज कार्ड है मतलब अगर नहीं है तो आप लोग को 390 डायमंड जरूरत पड़ेगा जो कि आप लोग को नेम चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखते हुए आप लोग को नेम को चेंज करना पड़ेगा। मेरे भाई आप लोग सबसे पहले देख लेना जो कि आप लोग के पास डायमंड है तो आप लोग चेंज करो, नहीं है तो मतलब गाइस आप लोग नेम चेंज कर कुछ दिन के बाद मिल जाएगा, ऐसा फ्री में तो आप लोग उसको वेट करो जो कि आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसी के साथ गाइस आप लोग को नेम चेंज करना कैसा है, सबसे पहली बात वीबैज कैसे लगाना है आप लोग को आईडी के अंदर, तो इसी के लिए गाइस आप लोग को मैं एक ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले गाइस आप लोग को क्या करना होगा, मैं गेम को मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो मिनिमाइज करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा जो कि सिंपल से मेरे भाई आप लोग को गूगल पे जाना पड़ेगा, ठीक। तो गूगल पे जाने के बाद इधर से गाइस आप लोग को सर्च करना पड़ेगा जो कि फ्री फायर निक नेम स्टाइल भी सर्च कर सकते हो एंड फ्री फायर नेम स्टाइल भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड आप लोग nickfinder.com भी इसको भी सर्च कर सकते हो। एंड बेसिकली गाइस आप लोग सर्च कर लेना जो कि फ्री फायर जो कि नेम स्टाइल, ठीक है। तो उसी के साथ सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से वेबसाइट आ जाएगा आप लोग के सामने। तो पहला जो वेबसाइट देख सकते हो जो कि ये वाला वेबसाइट, तो ये वाला वेबसाइट के अंदर गाइस आप लोग को जाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आप लोग वेबसाइट के अंदर घुस जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही गाइस इंटरफेस शो होगा। तो इधर से गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत सारा नेम इधर शो हो रहा है, लेकिन गाइस आप लोग को इनमें से क्या कुछ काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस आप लोग इधर से देखो टाइप ए नेम और निक नेम, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, तो इसके अंदर गाइस आप लोग को नेम को लिखना पड़ेगा। कैसे गाइस आप लोग वीबैज को मिलेगा तो ये मैं आप लोग को सबसे पहले बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग इधर से क्या करना है, देखिए सिंपल से आप लोग इधर से देख सकते हो वी सर्च करना, ठीक है। तो इधर से वी सर्च करोगे तो आप लोग देख सकते हो जो कि सर्च हो रहा है, ठीक है। पूरा वीडियो तो गाइस आप लोग पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप। एंड कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि वी का सर्च करने के बाद, देन गाइस इधर से देख सकते हो जो कि वी का आइकन शो हो रहा है, ठीक है। तो इधर से बहुत सारा जो कि तीन वी आइकन शो हो रहा है देख सकते हो। एंड गाइस इसको आप लोग को कॉपी करना पड़ेगा। तो कैसे गाइस आप लोग कॉपी कर सकते हो, तो इसको कॉपी करने के लिए मान लो गाइस मैं पहले वाला ये वाला वी मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड इसको मुझे निक नेम में लगाना है, मतलब मेरा फ्री फायर का यूआईडी पे यही वी लगाना है, ठीक है। तो इसको सिंपल से कॉपी करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर डबल प्रेस करना पड़ेगा। मतलब डबल टैप जब भी कर दोगे तो देख सकते हो कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर देख सकते हो जो कि कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, सिंपल से ये अभी कॉपी हो चुका है। तो बेसिकली गाइस उसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देन गाइस सिंपल से आप लोग को फ्री फायर को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्री फायर को ओपन करने के बाद देन गाइस आप लोग जो नेम चेंज करते हो जो कि प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद, तो इनमें से गाइस आप लोग को सबसे पहले आना होगा, ठीक है। एंड उसी के साथ गाइस इधर से आप लोग को नेम जो कि एडिट करने का आप लोग को पता ही है, तो कुछ पेंसिल का आइकन दिखाता है इस तरीके से, एरो करके भी दिखा रहे हो देख सकते हो। तो सिंपल से इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद इधर से देख सकते हो निकनेम करके लिखा हुआ आ रहा है। तो सिंपल से गाइस आप लोग जो पेस्ट किया मतलब जो कॉपी किया, तो इसके ऊपर आप लोग लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, तो इसके ऊपर जो कि ये जो नेम लिखे थे इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो रखने के बाद जो कि पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा देख सकते हो, जो कि पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपल से गाइस आप लोग को पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हो इधर वी लग चुका है, मतलब देख सकते हो। एंड उसी के साथ जो भी नेम गाइस आप लोग इधर लिख लेना, मेरा जो कि पीजी लिख लेता हूं जो कि पीजी पीजूस देख सकते हो, इसको मैं लिख लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग देख सकते हो जो कि मैं लिख लिया। तो उसी के साथ गाइस आप लोग को मतलब कैपिटल लेटर हो चुका है मेरा, तो ऐसे मैं पीजी पीजूस लिख लेता हूं, पी आई जे यू एस एच, ठीक है।
तो पीजी पीजूस में लिख लिया। देन गाइस इधर से देख सकते हो मेरा डायमंड नंबर आ गया, ठीक है। तो अभी मैं क्लिक कर दूंगा मेरा डायमंड कट लेगा, तो इसे देख सकते हो मैं अभी चेंज करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग को चेंज होगा। तो काफी लोग का अभी मतलब बहुत ही गुस्सा आएगा मुझे पता है, तो काफी लोग कॉमेंट करके पीजी भाई जो कि ऑरिजिनल वीवैच की तरह लग जाएगा, ऐसा तो होता है। तो बिल्कुल गाइस जो वीडियो बना के दे रहा है जो कि ऑरिजिनल वीवैच की तरह लग जाएगा, तो बिल्कुल गाइस गलत है, क्योंकि गाइस ऑरिजिनल वीवैच मिलना इतना आसान नहीं है गाइस। आप लोग को कुछ माइलस्टोन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलता है ऑरिजिनल वाला वी बैच। तो बेसिकली गाइस ऐसे आप लोग वी बैच लगा सकते हो, एंड ऑरिजिनल वी बैच मिलने के लिए आप लोग को क्या कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो, अगर आप लोग को ज़्यादा कमेंट और डिमांड आता है तो। क्या गाइस आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग बता सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। एंड कॉमेंट करके बताना आप लोग ओपिनियंस, एंड आज का आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना। एंड गाइस मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक गाइस टेक केयर, बाय बाय।